दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। मोस्ट डेंजरस बर्ड्स इन द वर्ल्ड। जब दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की बात आती है तो हमारे दिमाग में शेर, मगरमच्छ, शार्क जैसे जानवर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार छोटे पैकेट में बड़ा धमाका देखने को मिलता है। और ठीक ऐसे एनिमल वर्ल्ड में भी है, जहाँ जिन कीड़े मकोड़ों को हम मामूली समझ लेते हैं तो वो कई बार विशालकाय जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर काट ले तो इंसान की जान चली जाए। अबे ये कीड़े कौन है और कहाँ रहते हैं, चलिए जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। बुलेट एंट्स। सबसे पहले तो हम उन लोगों का भ्रम तोड़ना चाहते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो हर चींटी को मसल देंगे और फिर चींटी के काटने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो एक बार आपको बुलेट एंट के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। ये एक ऐसी चींटी है जिसके काटने से ठीक उतना ही तेज दर्द होता है जितना बुलेट यानी कि गोली लगने से होता है। हाँ, भले इस चींटी का जहर इंसान को जान से नहीं मारता, पर इसके जहर से होने वाला दर्द इतना ज्यादा भयानक होता है कि इंसान ऐसा महसूस करता है कि वो सच में मरने वाला है। क्योंकि जिस जगह पर इस चींटे ने काटा होता है उसके आसपास के पूरे एरिया में बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द होता है जो सहन से भी बाहर हो जाता है। कई बार तो ये दर्द 24 घंटे तक चलता ही रहता है। यानी आप सोच लीजिए 24 घंटे आपको लगातार कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। पर घबराने की बात नहीं है, ये चींटियां अमेजोन के जंगलों में पाई जाती हैं, इसलिए आप और हम इस चींटी से सुरक्षित हैं। जेंट हॉर्नेट्स। अब जरा इस कीड़े से मिलिए जो अधिकतर बच्चों और फार्म वर्कर्स को अपना शिकार बनाते हैं। और जब ये किसी पर वार करते हैं तो इतने गुस्से में होते हैं कि सामने वाले को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसी का नतीजा है कि अगले साल 2013 में इनके वार से चाइना के एक शहर में 43 लोग मौत के घाट उतर गए। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन जेंट हॉर्नेट्स ने बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर दिया। असल में दोस्तों, जब ये कीड़ा बॉडी में अपना जहर छोड़ता है तो इसका जहर रेड ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है और मामला गंभीर हो जाता है, इंसान मर भी सकता है। इन कीड़ों का साइज हमारे अंगूठे जितना होता है। यानी बड़े साइज के ये कीड़े न सिर्फ दिखने में खतरनाक हैं, बल्कि मौका मिलते ही जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। किसिंग बग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भला किसी कीड़े का नाम किसिंग बग्स कैसे हो सकता है, तो दोस्तों ये कोई साधारण कीड़ा नहीं है, बल्कि ये जहां कहीं भी काटता है वहां पर अपने बाइट मार्क छोड़ देता है। इसी वजह से लोग इसे किसिंग बग्स के नाम से जानते हैं। पर यकीन मानिए, इस कीड़े से मिलने वाली किस ऐसी है जो आप कभी भी लेना नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब ये कीड़ा किसी को किस करता है, हमारा मतलब काटता है, तो उस इंसान को फ्लू की तरह सिम्टम्स होने लगते हैं। पर सबसे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि इससे होने वाली परेशानी को आप किसी दवा से दूर भी नहीं कर सकते। इसलिए जब तक इस कीड़े का जहर रहेगा तब तक आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। ये कीड़े हम इंसानों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड से अट्रैक्ट होते हैं, इसी वजह से अधिकतर हमारे मुंह के आसपास ही काटते हैं। पर ये जब किसी को काटते हैं तो उस समय तो महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में किस तरह की परेशानी होती है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आपको इनसे बचना है तो बग्स स्प्रे इन कीड़ों को आपके घर से दूर भगाने में मदद करेगा। सीसी फ्लाई। दोस्तों, इस फ्लाई की एक बाइट इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। जब ये फ्लाई किसी पर अपना वार करते हैं तो अपने कांटेदार डंक से उसके शरीर के अंदर घुसकर अपने शिकार का खून पीना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जिस वक्त खून पीने की कोशिश करते हैं उसी वक्त ये अपने शिकार के शरीर में कई सारी बीमारियां भी छोड़ देते हैं। जब कभी भी ये किसी को काटते हैं तो सिर दर्द, खुजली, उलझन जैसी समस्याएं बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे समझ में आता है, इनका जहर शरीर में और भी बुरे तरीके से काम करना शुरू कर देता है और इंसान के बिस्तर से उठने तक की हिम्मत नहीं होती। इस कीड़े द्वारा शरीर में छोड़ी गई बीमारियां दिमाग तक पहुंच सकती हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन और पुअर कोऑर्डिनेशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि इन कीड़ों में होने वाली बीमारी इंसान की पर्सनैलिटी तक बदल देती है। हालांकि इनसे होने वाली बीमारी का मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो इंसान को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ब्राउन रिक्लस। अब मिलिए आप एक ऐसी मकड़ी से जो स्वभाव से काफी शर्मिली होती है, लेकिन इसके स्वभाव पर जाकर इसे नजरअंदाज करने की गलती से भी मत करना। क्योंकि कहा जाता है ये मकड़ी जानलेवा होती है, जिसके अंदर हम इंसानों के मांस को पिघलाने की ताकत होती है। असल में इनका जहर इतना ज्यादा तेज होता है कि जिस जगह पर भी काटती है उस जगह की स्किन, वहां का मांस और ब्लड सेल सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अलावा अगर इसने आपके ऊपर हल्का सा वार किया और आपने इसे दूर भगा दिया
तब जिस जगह पर इसने काटा होगा वहाँ पर सूजन आ जाएगी, वो जगह लाल हो जाएगी और आपको उलझन महसूस होने लगेगी। कई बार तो तेज दर्द, उल्टी, जी मचलाना जैसी समस्याएं भी आ जाती है। ये सारी परेशानियां 3 दिन तक आपके शरीर में बसेरा बनाकर बैठी रहेंगी, लेकिन 3 दिन बाद बिना किसी दवाई वगैरह के अपने आप ही ठीक भी हो जाएंगी। फ्लिया, अब जरा इस कीड़े के बारे में जानिए, जिसे आम भाषा में लोग पिस्सू भी कहते हैं। ये ऐसे कीड़े हैं जो अपनी हाइट से 150 गुना ज्यादा ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कीड़े भले ही साइज में छोटे क्यों ना हो, पर बड़े आराम से ही 8 इंच की छलांग लगा सकते हैं। वैसे ये हम इंसानों के लिए इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, हालांकि इनके काटने से खुजली और इन्फेक्शन हो सकता है, पर काफी भयानक परिणाम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये कीड़े अधिकतर अपना शिकार जानवरों को बनाते हैं। आप लोगों ने अक्सर कुत्ते और बिल्ली के शरीर में इन कीड़ों को अपना बसेरा बनाते हुए देखा होगा, जो इनके शरीर में एलर्जी रिएक्शन क्रिएट करते हैं, और बेचारे हमारे प्यारे पालतू जानवरों को परेशान करने में अधिकतर इन्हीं कीड़ों का हाथ रहता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।